Hello students, good morning everyone. Now today we start second part of subtraction. First part मैं already आपको send कर चुकी हूँ. Now today we learn second part of the subtraction. First we revise few points from subtraction and those are always bigger number write upside and small number downside. Okay, this is the first and important rule. Second, subtraction. In subtraction, no any number subtract from the zero. Okay. Third is, we do not replace numbers to each other. That means, हम छोटे number को ऊपर और बड़े number को नीचे नहीं लिख सकते हैं. ये subtraction में possible नहीं है. Now we start subtraction 4-digit with borrowing. Now what is the borrowing? Look at here. Subtract 1256 from 2574. 1256 subtract from 2574. Okay. So we should write 2574 upside, 1256 downside. In the subtraction, we always start subtraction from the place of ones. Now 4 minus 6, आप इसे पहले simple language में समझिए कि subtraction क्या होता है. ऊपर जो number दिया होता है, ये वो number हैं जो हमारे पास हैं. और नीचे जो number दिया होता है, उसका मतलब होता है वो number जो हमें देने हैं. ठीक है? जब हम subtraction start करते हैं, तो हम 1-1 डिजिट का सब्ट्रैक्शन करते हैं. नाउ हियर वी हैव लाइक 4 पेंसिल. हमारे पास ऊपर 4 पेंसिल है, बट हमें कितनी देनी है? 6. हमें पेंसिल देनी है 6. सो इट इज नॉट पॉसिबल. तो हम लोग क्या करेंगे? वंस बोरो थिंग्स फ्रॉम द टेंस. 7 ने जब उसे 1 दिया, तो वो यहाँ आकर बन गया 1414. और 7 में से 1 गया, तो उसका बिफोर नंबर 6 वो हम ऊपर लिखेंगे. नाउ 14 माइनस 6 इज 8. नाउ द सेकंड स्टेप, हियर इज 6. 6 माइनस 5 1. देन वी सॉल्व प्लेस ऑफ 100. 5 माइनस 2 3. एंड देन वी सॉल्व नेक्स्ट स्टेप, 2 माइनस 1 1. अंडरस्टूड? सो व्हेन वी सबट्रैक्ट 1456 from 2574, see, we've got 1380. Understood? आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, subtraction हमेशा start होता है place of ones, then tens, then 100 and last 1000. Understood? Now the next topic, subtract 2394 from 6503. अब इस चीज़ का मतलब पहले समझो. सब्ट्रैक्ट करना यानी जिसे हमें माइनस करना है, और फ्रॉम मतलब हमें जिसमें से माइनस करना है. तो जो फ्रॉम के बाद नंबर दिया होगा, वो ऑलवेज आप लोग लिखोगे ऊपर, और सब्ट्रैक्ट के बाद जो नंबर दिया होगा, उसे आप लोग लिखोगे नीचे. जब भी बच्चों आप लोग अपनी वीडियो देखने बैठो, तो साथ में आप लोग क्या करोगे? अपनी टेक्स्ट बुक लेकर बैठोगे, तो आप लोगों को इजी हो जाएगा. ओके. नाउ अपसाइड 6503 माइनस 2394. नाउ वी स्टार्ट सब्ट्रैक्शन. अब मैंने जैसे पहले बताया, लाइक ऊपर हमारे पास 3 बॉल हैं, बट हमको देने कितने बॉल हैं? 4. तो ये पॉसिबल नहीं है. तब ये 3 क्या करेगा? उसका जो नेबर है 10s, उससे बोरो करेगा. बट उसके नेबर के पास तो एक भी बॉल नहीं है. तब 10s क्या करेगा? वो अपने नेबर से बोरो करेगा. दैट मीन्स 100. अब 100 सबसे पहले किसको देगा? 100 कोई भी चीज़ डायरेक्ट 1s को नहीं दे सकता है, क्योंकि बीच में 10s खड़ा है. तो 100 क्या करेगा? वो सबसे पहले 10s को देगा और 10s 1s को देगा. ठीक है? तो देखो, सबसे पहले 100 ने 10s के प्लेस पे 1 दिया, जो कन्वर्ट हो गया 10 में.
अब जो है, अब ये टेंस है वो वंस को दे सकता है। अब ये टेन क्या करेगा, वो वन उठाकर दे देगा वंस को। तो दैट वन एंड थ्री टुगेदर मेक 13। अब ये 10 में से 1 चला गया तो उसके ऊपर बच गया 9, और 5 में से 1 गया तो उसके ऊपर बच गया 4। जो 1 देता है उसमें से 1 माइनस होता है, लेकिन जो लेता है उसके अंदर वो 10 प्लस करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा फाइनल क्या हुआ, 1 3 13, 13 माइनस 4 9, 9 माइनस 9 0, 4 माइनस 3 1, एंड 6 माइनस 2 4। सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 2394 फ्रॉम 6503, सो वी गॉट 4109। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सब्ट्रैक्ट 2357 फ्रॉम 4000। ओके, इसे हमें 4000 में से माइनस करना है। अब यहाँ पे देखो, एक बॉक्स के अंदर पूरा सम किया है, क्योंकि हम ऑलरेडी स्टेप्स देख चुके हैं, स्टेप्स कैसे कैरी करने हैं। हम स्टार्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द प्लेस ऑफ वंस, बट वंस हैज़ नो बॉल्स, सो वंस बोरो फ्रॉम द टेंस। नाउ टेंस हैज़ अगेन नथिंग, सो टेंस बोरो फ्रॉम द 100। नाउ 100 हैज़ ऑल्सो नथिंग, सो 100 बोरो फ्रॉम द 1000। 1000 डायरेक्ट वंस को कुछ नहीं दे सकता है। जैसे कि आप लोग क्लास में बैठते हो, फर्स्ट बेंच पे जो बैठा है उसे पेंसिल चाहिए, बट उसे जो पेंसिल दे सकता है वो बैठा है फोर्थ बेंच पे। तो फोर्थ बेंच वाला फर्स्ट बेंच वाले को जब पेंसिल देगा तो कैसे देगा, फोर्थ वाला देगा थर्ड वाले को, थर्ड वाला देगा सेकेंड वाले को, और सेकेंड बेंच वाला देगा फर्स्ट बेंच वाले को। ओके, तो सेम मेथड इन द सब्ट्रैक्शन। नाउ 4 गिव 10 टू दिस 100। अब 100 के पास 10 आया, बट उस 10 ने क्या किया, 1 दे दिया टेंस को, तो 100 के पास बच गया 9। अब 10 के बाद आ गया 10, अब 10 ने भी क्या किया, 1 दे दिया वंस को, तो टेंस के बाद बच गया 9, और वंस के बाद आ गया 10। नाउ 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 3 6, एंड 3 माइनस 2 1। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ वी स्टार्ट एक्टिविटी नंबर 4। यहाँ पे मैं आपको कुछ सम सॉल्व करके दिखा रही हूँ, जो रेस्ट ऑफ सम है वो आपको क्या करने हैं, अपनी टेक्स्ट बुक में खुद सॉल्व करने हैं, क्योंकि जब आप खुद सॉल्व करोगे तो आपको ये सम अच्छी तरह समझ में आएगा। बट ऑलवेज याद रखना, सब्ट्रैक्शन में ऊपर आता है बिगर नंबर, नीचे आता है स्मॉलर नंबर। हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं ऑलवेज लेफ्ट साइड से। ओके, लेफ्ट साइड का नंबर डिसाइड करता है विच नंबर इज़ बिगर एंड विच नंबर इज़ स्मॉलर। ओके, जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट होगा वंस की प्लेस से, और तब हमको इंडिविजुअल देखना है हु इज़ स्मॉल एंड हु इज़ बिग। अगर ऊपर का नंबर स्मॉल है नीचे के नंबर से तो हम बोरो करेंगे, अदरवाइज बोरो नहीं करेंगे। नाउ हियर अपसाइड नंबर इज 3445 माइनस 1348। नाउ 5 माइनस 8 इज नॉट पॉसिबल, सो वंस बोरो फ्रॉम द टेंस। सो नाउ दस 1 एंड 5 मेक टुगेदर 15। अब 4 के ऊपर हमारे पास बच गया 3। नाउ 3 माइनस 4 इज नॉट पॉसिबल, सो टेंस बोरो फ्रॉम द 100। नाउ 1 गिवन टू द टेंस, सो नाउ इन द प्लेस ऑफ 100 वी हैव लेफ्ट 3। जब हमने 1 दे दिया तो हमारे पास 3 बचा। अब प्लेस ऑफ 1000 में 3 ऊपर है, 1 नीचे है, हमारे पास ज़्यादा चीज़ें हमें देनी कम है, सो दिस इज पॉसिबल। नाउ वी स्टार्ट काउंटिंग 15 माइनस 8 7, 13 माइनस 4 9, 3 माइनस 3 0, एंड 3 माइनस 1 2। सो आवर आंसर इज 2097। नाउ इन द नेक्स्ट सम वी हैव
4965 minus 2446. Now 4000 is bigger than 2000, so this whole number is bigger and this whole number is smaller. Now individual from the place of ones. 5 minus 6 not possible, so 5 borrow from the tens. Now this is 15, 15 minus 6 9, 5 minus 4 1, 9 minus 4 5 and 4 minus 2 2. So the answer is 2519. Now next sum, again here we have 0 upside and 0 minus 7 is not possible. So ones borrow from the tens, so this is make 1010. 7 minus 1, so we have 6. Now 6 minus 9 not possible, so this tens borrow from the 100. So 1 and 6 make together 16. Now we start counting. 10 minus 7, 3, 16 minus 9, 7, 4 minus 3, 1 and 6 minus 3, 3. ओके, अभी मैं आपको एक सम और करवा दे रही हूँ. 7385 माइनस 4299. Now 5 minus 9 not possible, so ones borrow from the tens. Now 15 minus 9 6, 8 give us 1, so now here left only 7. 7 minus 9 not possible, so tens borrow from the 100, so it is 17. 17 minus 9 8. Now 2 minus 2 0 and 7 minus 4 3. So what are you doing? After seeing this video, all of you complete activity number 4 in your textbook. Now what is here? Here second sum is find the difference. Find the difference. अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, एंड दिया है बीच में, यानी 4352 एंड 5020 के बीच का हमें डिफरेंस लेना है. और डिफरेंस का मतलब होता है आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन. डिफरेंस मीन्स आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन. सो हाउ डू वी सॉल्व दिस? वी सॉल्व इट लाइक दिस. एक्टिविटी नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिफरेंस ऑफ. जब आप ये वीडियो देखो तो आप अपने साथ टेक्स्ट बुक लेकर बैठना. फर्स्ट सम इज 5020 माइनस 4352. नाउ 0 माइनस 2 नॉट पॉसिबल, सो बोरो फ्रॉम टेंस, सो दिस इज 10. 2 में से 1 गया तो 1 बचा. 1 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, सो बोरो फ्रॉम 100. तो दिस 1 एंड 1 मेक टुगेदर 11. अब यहाँ से भी उसने कैसे लिया था आपको समझ में आ गया. मैं पहले बता चुकी हूँ, जहाँ 0 होता है उसे हमें पहले नंबर बनाना पड़ता है. तो 5 में से 1 लिया तो ये 0 10 बन गया. अब ये जब 10 है तो इसने हमको टेंस को 1 नंबर दिया. जब 10 में से 1 गया तो 10 के ऊपर बच गया 9. यहाँ 5 में से 1 गया तो बचा 4. नाउ 10 माइनस 2 8, 11 माइनस 5 6, 9 माइनस 3 6 एंड 4 माइनस 4 0. तो आपको भी अपनी नोटबुक में इसी तरह सॉल्व करना है. नाउ सेकंड सम इज 6007 माइनस 3569. समझ में आ रहा है? ये जो मैंने नंबर लिखा है 6007 माइनस 3569. अब देखो
सेवन में से नाइन माइनस नहीं होगा, बट सेवन ज़ीरो में से बोरो नहीं कर सकता, फिर ये ज़ीरो ज़ीरो में से बोरो नहीं कर सकता, तो दिस ज़ीरो बोरो फ्रॉम द सिक्स। सिक्स ने उसे वन दिया तो बन गया टेन, सिक्स के ऊपर बच गया फाइव। अब ये टेन ने वन दिया टेंस को तो इस टेन के ऊपर बच गया नाइन। अब इस टेन ने वन दिया वंस को तो इस टेन के ऊपर भी बच गया नाइन। बच्चों तुम लोग डायरेक्ट नाइन कभी मत लिखना वरना वो मिस्टेक हो जाएगी। नाउ सेवनटीन माइनस नाइन एट, नाइन माइनस सिक्स थ्री, नाइन माइनस फाइव फोर, एंड फाइव माइनस थ्री टू। ओके, ये मैंने नोटबुक में लिखा है, इसी तरह आपको भी नोटबुक में लिखना है। थर्ड सम इज 4533, 2215। अब थ्री में से फाइव नहीं जा सकता तो हमने टेंस में से बोरो किया, टू माइनस वन तो पॉसिबल है, थर्टीन माइनस फाइव एट, टू माइनस वन वन, फाइव माइनस टू थ्री, एंड फोर माइनस टू टू। ओके, एंड दिस इज़ योर फोर्थ सम, दैट मीन्स डी। इसे आप लोग अच्छी तरह देख लेना। अब है हमारा चेकिंग सब्ट्रैक्शन यूजिंग एडिशन। सब्ट्रैक्शन को हमें एडिशन के थ्रू चेक करना है, तो कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे ध्यान दो, ये जो दिया है 3893 माइनस 1713, ये हमने सब्ट्रैक्ट किया था, हमको ये आंसर मिला। ठीक है, जब बड़े में से छोटा नंबर माइनस किया तो दूसरा छोटा नंबर मिल गया। अब इसे एडिशन से कैसे चेक करना है, तो आंसर का नंबर ऊपर लिखेंगे, जो नंबर सब्ट्रैक्ट किया वो उसके नीचे लिखेंगे। जब हम इन दोनों को एडिशन करेंगे तो हमें आंसर वही नंबर मिलेगा जो हमने ऊपर सब्ट्रैक्शन में लिखा था। फिर से बता रही हूँ, बड़े में से पहला छोटा नंबर हमने माइनस किया तो हमें दूसरा नंबर मिल गया। अब जब इन दोनों छोटे नंबरों को हम ऐड करेंगे तो हमें ये बिगर नंबर मिल जाएगा। अगर वो मिल जाता है दैट मीन्स हमारा सब्ट्रैक्शन का सम सही है। यहाँ पे देखो, मैंने एक्टिविटी फाइव की है, 6210 माइनस 3405। जब मैंने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे आंसर मिला 2805। अब इसको हम सबसे ऊपर ले जाएंगे एडिशन में, उसके साथ हम ये जो बीच वाला नंबर है उसे भी हम यहाँ लिख देंगे। नीचे का नंबर गया ऊपर, बीच का नंबर गया बीच में। जब इन दोनों का हमने एडिशन किया तो हमारा जो आंसर आया वही हमारा ऊपर वाला नंबर आ गया। इसी तरह मैंने ये सेकंड सम भी सॉल्व किया है। अब आपको इसे नोटबुक में कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो, सबसे ऊपर तो आप लोग लिखोगे एक्टिविटी नंबर फाइव, ये मेरा पहला सम है, जो मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा आंसर आ गया 2594। नाउ दिस आंसर गो अपसाइड, मिडल नंबर इन मिडल, व्हेन वी ऐड दिस बोथ नंबर टुगेदर सो वी गॉट आंसर ऑफ दिस बिगर नंबर। सब्ट्रैक्शन का जो बिगर नंबर है वो एडिशन के आंसर में आ जाए, दैट मीन्स कि हमारा सम सही है, एंड दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन चेकिंग बाय एडिशन। इसी तरह मैंने ये फोर सम किया है, आप देख सकते हो 5531, जो हमारे आंसर में भी आ चुका है एडिशन में 5531। आपको दोनों सम इस तरह बाजू बाजू में ही करने हैं। लेफ्ट साइड में आप लोग सब्ट्रैक्शन करोगे और राइट साइड में उसका एडिशन करके चेकिंग करोगे। नाउ दिस इज़ द फिफ्थ नंबर सम, व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 2435 आई गॉट 3788। नाउ 3788 गो अप, मिडल नंबर इन मिडल, एंड द आंसर इज 6223। तो आई होप ये वीडियो देख के आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये वीडियो आप लोगों को अपने लाइव सेशन से पहले देखना है, इसमें जो भी बताया गया है वो ध्यान से देखना, अच्छे से करना, और उसके बाद भी अगर आप लोगों के पास कोई क्वेरी रह जाती है तो आपको क्या करना है उसे अपनी नोटबुक में लिख के रखना है
और मुझे लाइव सेशन में पूछना है. ओके स्टूडेंट, सो टिल देन बाय एवरीवन.